लो वेट और वेट का भार का कम होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन रही है। मेल्स और फीमेल, महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही वेट गेन करने को जिनमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, ये वीडियो उनके लिए है कि वो कैसे क्विकली बहुत ही जल्दी वेट गेन कर सकें। पर इसमें एक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कुछ ऐसे वेट करने पे, पर इसकी हम कुछ आपकी जो पैसे हैं, जो खर्च है, जो आप इतनी इतनी भारी मेडिसिन खाकर वेट बढ़ाते हो, उससे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका वेट बढ़ाने का, उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, उससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और उससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है जो आप इतना खर्चा करके मेडिसिन लेकर आते हो। तो इस चैनल पर जो नए हैं, मैं उनको बता दूं, इस चैनल पर जो हम इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंस बेस्ड लेके आते हैं, जो रिसर्च बेस्ड होती है वही हम इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेकर आते हैं। और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो हमारे साथ जुड़े रहने के होने की वजह से साइंस की समझ आने लगी है। अगर आप नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, तभी आपको समझ आने लगेगी कि साइंस है और होम्योपैथी का कितना बढ़िया संबंध है और कैसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो वेट गेन के लिए एक ही फार्मूला है जिसको आपने अपनाना है। वेट गेन करने के लिए हमें एम होता है हमारा BMR को स्लो करना, ये होता है हमारा एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है उनके अंदर बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें इतने आपने समझना है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट जिसका ज़्यादा होगा उसका वेट बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, वो जो भी कुछ खाता है उसको शरीर उसका मिनटों मिनट ही हजम करके उसको बाहर निकाल देता है, उससे शरीर को एनर्जी नहीं बनाने देता, समय नहीं लगाने देता कि शरीर उससे वेट के लिए जो न्यूट्रिशन है वो निकाल सके उस खाए हुए खाने से। तो इसको हमने कम करना होता है BMR को। जो भी खाना, जो भी मेडिसिन BMR को कम करेगी वही मेडिसिन वेट बढ़ाएगी। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया मेडिसिन है कस्टर्ड। इसको मेडिसिन तो नहीं बोलूँगा, मेडिसिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका हम यूज एज ए मेडिसिन ही करेंगे, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। कस्टर्ड आपके हर एक के घर में पड़ा है, हर एक के लिए सस्ता है और 2-4 रुपए में वो अपना काम कर सकता है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। कस्टर्ड एक ऐसा सब्सटेंस है, इसको जब दूध के अंदर डाल देते हैं ये उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देगा, और जितनी गाढ़ी चीज़ हम ऐसी पिएंगे वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को स्लो करेगी। तो कस्टर्ड है वो सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाता है और सबसे सस्ता भी आपके लिए अपनाना। दूध के साथ जैसे आप आइसक्रीम जमाते हो तो उसको जमाना नहीं है, कस्टर्ड आप डालो दूध के अंदर, उसके अंदर मीठे के लिए आप डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, उसको गाढ़ा करके एक गिलास सुबह लीजिए, एक दोपहर को, एक शाम को, आपको 1 महीने के अंदर ही जितना आपको वेट चाहिए मिल जाएगा। पर इसके नुकसान क्या है, ये जो बढ़ा हुआ वेट है ये यूजलेस रहेगा। आप मोटे तो हो जाओगे पर आपको मोटापे का नुकसान दिखना लग जाएगा, सांस चढ़ने लग जाएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसको, जब आपको लगा इतना वेट सफिशेंट है बंद कर देना चाहिए। नॉट हेल्थी है ये, हेल्थी नहीं होगा जो आपका जो वेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप दौड़ोगे तो आपको सांस नहीं चढ़ेगी, आपको ज़्यादा चढ़ेगा, दिक्कतें ज़्यादा आएंगी सांस की, तो ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। ओबिसिटी इससे क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा लंबा समय लेने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अगर ज़्यादा लंबा समय हम लेते रहें, 25-30 दिन के ऊपर अगर हम चले जाएं तो हार्मोन को भी इम्बैलेंस करता है महिलाओं और पुरुष में। इसलिए इसको सेफ़ और इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि आप 10 से 15 दिन तक लो, फिर 4-5 दिन छोड़ दो, फिर 5 से 10 दिन लो। तो ऐसे करके आप वेट बहुत ही सस्ते में बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो इसके भी नुकसान आने लग जाएंगे। पर इसके नुकसान है जो आप बाहर से मेडिसिन लेके आते हो उनसे बहुत कम है, उनसे तो वेट साथ के साथ ही कम हो जाता है जो आपने बाहर बढ़ाया था, पर इससे इतनी जल्दी कम नहीं होता है। अब क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट करना चाहता है वेट बढ़ाने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, अपनी बीमारी को पकड़े कि किस बीमारी की वजह से वेट नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, एक बीमारी होती है जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज जैसी बीमारियां आ जाती हैं।
अलर्जिक डिजीज़ है, जैसे ग्लूटन से किसी को एलर्जी है, गेहूं के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है उससे कईयों को एलर्जी होती है, इन्फेक्शन रहती है जिनको, ESR जिनका बड़ा रहता है उनका वेट नहीं बढ़ पाता, जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनका वेट नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे आपने टेस्ट भी करवा लेने हैं इन्फेक्शन के, थायराइड के, IBS के लिए। अगर परमानेंट वेट है जो हेल्थी वाला बढ़ाना चाहते हो, अगर टेम्परेरी बढ़ाना चाहते हो, ये सबसे बेस्ट है, सबसे चीप है अल्फा माल्ट से भी, ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। अल्फा माल्ट का भी यही यूज है जो आप सारे सुनते आ रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, सस्ता भी है, आपकी पहुंच भी है, पर लंबा समय नहीं लेना है, आपको रिजल्ट भी बढ़िया मिलेंगे। परमानेंट हेल्थी वेट बढ़ाना चाहते हो तो अपनी बीमारी को जानें, उसके टेस्ट करवा लेंगे, फ्री मेडिसिन खाना शुरू करें। तो इस चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल के नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी साइंस से रिलेट कर बहुत ही ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहते हैं। इसके बिना और भी कैंसर है, पेट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, सेक्सुअल वीकनेस है, इनफर्टिलिटी है, विदाउट ऑपरेशन सर्जरी के हार्ट के वाल्व का हम कैसे ठीक कर सकते हैं, घुटने बदलवाने से हम कैसे बचें, ट्यूमर कैंसर के ऊपर वीडियोस हैं वो आप सारी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।